neimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बार बार मशीन की सुई क्यों टूटती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनकी मशीन की जो सुई है बार बार सिलते टाइम टूट जाती है, सिलते टाइम टूट जाती है, तो उसके दो तीन कारण हैं। ये जो मशीन की सुई है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसके अंदर ये फ्लैट हिस्सा होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्लैट हिस्सा, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो देखो ये एक साइड से फ्लैट होती है, यानी कि चपटी होती है। देखो ये यहाँ पे ये चपटी है, ठीक है, और अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये पीछे से देखो यहाँ पे ये चपटी है, ये चपटी दिखाई दे रही है, और अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो यहाँ से ये गोल होती है पीछे से, ठीक है। तो एक साइड से ये चपटी है, इसका चपटा हिस्सा यानी कि फ्लैट हिस्सा हमें रखना है इस तरफ मशीन के, इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चपटा हिस्सा हमें मशीन के इस तरफ रखना है। तो जैसे हम अगर सुई इसमें डालते हैं, देखो अगर मैं इसको खोल के सुई इसमें डालूंगी तो इसका चपटा हिस्सा मेरे को रखना है इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसका चपटा हिस्सा किसी और तरह के तरफ रख दूंगी, आगे की तरफ या किसी और तरफ रख दूंगी, तो मेरी सुई जब भी मैं कपड़ा सिलूंगी 100% टूटेगी। तो खोलिए और इसमें डालिए, और ध्यान रहे आप यहाँ पे एक निशान, ये यहाँ पे एक निशान होता है, सिर्फ वहीं तक डालिए। अगर इस सुई को ज़्यादा ऊपर डाल देंगे या फिर ज़्यादा नीचे डाल देंगे तो भी ये सही से काम नहीं करेगी और आपका कपड़े में, आपका कपड़ा सिलते वक्त धागे में टाप देगी, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा चपटी जिसमें होता है उस मशीन की सुई के बारे में। और हमारे पास दूसरे प्रकार की सुई की पूरी यहाँ से गोल होती है ऊपर से, ठीक है। तो इसकी निशानी कहाँ होती है, नीचे। जब हम नीचे देखें तो यहाँ से ये स्मूथ है, लेकिन अगर हम इस साइड पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये चपटी है यहाँ से, ठीक है, नीचे से चपटी है। मेरे अंगूठे को निशान देखें, ये यहाँ से, ये यहाँ से चपटी है, ठीक है। देखो हाँ आप दिख रही है कि यहाँ से चपटी है, और अगर मैं दूसरी तरफ घुमाती हूँ इसको तो ये यहाँ से चपटी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका चपटा हिस्सा ये वाला जो मैंने नीचे दिखाया, ये वाला आपको रखना है राइट हैंड साइड पे। कौन से साइड पे, इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इस साइड पे। देखो सही निशान क्या है, ये जो होता है इसको खोलने वाला और डालने वाला, इस तरफ ही रखना है आपको इसका चपटा हिस्सा। तो हमने दोनों सुइयों के बारे में सीख लिया। और तीसरी प्रॉब्लम आती है, अगर ये जो हमारी मशीन, ये जो है इसका नीचे वाला हिस्सा, देखो ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसको कभी खोल के आपने साफ भी किया हो तो ये जो दो सी डले हुए हैं ना इसमें, ये वाले दो सी लगे हुए हैं, ये भी अगर कभी बीच में अड़ते हैं ऐसे ऐसे सिलते टाइम, अभी देख सकते हो आप इसमें मशीन की सुई नीचे जाती है। अंदर गई आपकी मशीन की सुई, यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन की सुई अंदर गई, अगर ये ही और ऐसे बाहर आ जाती है। लेकिन अगर ये वाली प्लेट ऊपर हो इस मोरी की तरफ, तो जब आप मशीन की सुई अंदर डालोगे तो ये जो प्लेट है इसके अंदर अड़ेगी और आपकी सुई टूट जाएगी। इसलिए आप इसको दोबारा से खोल के सही करिए। वैसे नॉर्मली आप जो बिगनर्स हैं वो खोले ही तो होगी नहीं उनमें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उस केस में आती है जब हम इसको भी खोल के और साफ करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसको एक कपड़ा लो और यहाँ पे जो भी बुरा फंसा हुआ है उसको निकाल के साफ कर दो आप ब्रश की सहायता से या कपड़ा की सहायता से। इसके अंदर भी देखो कितनी मैल जमी होती है, कभी कभी इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा फंसा है, मेरी मशीन में भी फंसा है, ठीक है। तो एक कपड़ा ले और उससे इसको अच्छे से साफ कर ले, ठीक है। अगर ये कपड़ा फंसा होता है, अगर आप बुकरम भी सिल रहे हो तो भी इसके अंदर बुकरम का बुरा फंसा होता है, अगर वो फंसा होगा ना तो आपका धागा सही नहीं आएगा और आपकी मशीन सही भी नहीं फंस चलेगी। तो इसको अच्छे से कपड़े की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से आप साफ कर लें, ठीक है, ताकि बूरा बाहर आ जाए। देखो इस प्रकार का गंदा सा बूरा बाहर आ गया है, ठीक है। तो अच्छे से इसको साफ कर लें, अच्छे से ध्यान रहे कि ये आप सुई यूँ चला ना देने तो आपका हाथ कट जाएगा, और अपनी मशीन की सुई को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करें। और सबसे मेन पॉइंट, ये मशीन का जैसे तेल होता है इसको जरूर डालें। देखो यहाँ पे ऑयल लिखा होता है, यहाँ पे कुछ मोरियाँ होती हैं जहाँ पे आपको मशीन का तेल डालना होता है, इस प्रकार
इस प्रकार तेल डालें इन मोरियों में, और यहाँ पे थोड़ा इधर आइए, यहाँ पे भी तीन खाने हैं तेल डालने के लिए, और लिखा है ऑयल, इनमें भी सब में ऑयल डालें लाइक दिस। ये ऊपर नीचे घूमता है, इसके अंदर भी ऑयल डालना है, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड आ जाइए नीचे, यहाँ जहाँ पे बोबिन, यहाँ ये फुट पैडल की तरफ, यहाँ पे भी एक मोरी बनी होती है, यहाँ पे भी आप तेल डालिए, ठीक है। तो अब आपको मशीन को थोड़ी देर चलाना है खाली, ताकि ये तेल जो है इसके अंदर चला जाए, ठीक है। इसकी खाली चलाओ बिना धागे के। अब ये तेल इसके अंदर रिझ गया है, और सारा एक्स्ट्रा ऐसे करके साफ कर दो मशीन को, पूरी मशीन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार इसको तेल डालिए और साफ कीजिए। देखो जैसे हमें नहाना ज़रूरी है, इसके लिए मशीन के लिए तेल ज़रूरी है। तो आज हमने दो तीन तरीके समझे कि मशीन की सुई टूटती क्यों है। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस आपके सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक इत्यादि पर। अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि आकर niaimagination.com सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी सिलाई आसानी से सीख सकें। और बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो भी सिलाई मशीन अगर ठीक करनी है और कैसे इसको आप अच्छे से रख सकते हैं, सारी टिप्स के लिए आप यहाँ पर सीख सकते हैं niaimagination.com। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।